नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24/7 पर। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए यूपी में हो रहे विधान परिषद चुनाव एक ऐसी कसौटी बनकर उभरे हैं जहां पहले कदम पर ही बीजेपी की जमकर फजीहत हो गई है। अव्वल तो बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे और ऊपर से मुसीबत यह हुई कि कई बीजेपी उम्मीदवार बीच राह मैदान छोड़कर भाग लिए। तो सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के पास नेताओं का इतना टूटा हो गया है कि उसे प्रदेश में 36 जिताऊ चेहरे तक नहीं मिल पाए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर कैडर को लेकर बीजेपी की हालत इतनी ही पतली है तो आखिर वो किस आधार पर 2017 में करिश्मा करने का सपना पाल रही है। बीजेपी की दिक्कत आखिर है क्या? आज सियासत में चर्चा इसी मुद्दे पर। जिसे उम्मीदवार बनाया उसी ने बीच राह साथ छोड़ दिया। ये तस्वीरें यूपी में बीजेपी की सियासी सेहत बता रही हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद यूपी में बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कहां तो लखनऊ के किले पर कब्जे का सपना था और कहां उम्मीदवारों की किल्लत ने फजीहत करा दी। फिर चाहे मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हो या फिर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के गृह जिले का। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को कोई उम्मीदवार तक नहीं मिला तो वहीं वाजपेयी जी के इलाके में प्रत्याशी ने ऐन मौके पर घर वापसी कर झटका दे दिया। वो वही प्रत्याशी थे जो पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जिनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी के पास जब अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिला और उनको लड़ने वाला कोई, तो उन्होंने हमारी पार्टी के आदमी पर ही हाथ रखे चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। चुनाव दूसरा ही चुनाव दूसरे मामलों में भी था कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो राकेश यादव जी हैं, मैं भी यादव जाति से हूं और आज उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार है यादवों में बहुत महत्व रखता है। ये हालत सिर्फ मेरठ में हुई ऐसा नहीं है बल्कि कई जगहों से ऐसी खबरें आई। लखनऊ उन्नाव सीट से बीजेपी के अनिरुद्ध चंदेल ने ऐन मौके पर पलटी मार दी और पर्चा वापस ले लिया तो बांदा हमीरपुर इलाके में बीजेपी प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी सरेंडर कर गए। सीतापुर में एसपी के आनंद भदौरिया के सामने बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह निर्विरोध चुन लिए गए। आगरा फिरोजाबाद सीट पर भी एसपी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप यादव ने निर्विरोध ही जीत हासिल कर ली। यहां बीजेपी के घोषित प्रत्याशी टीपी सिंह पर्चा तक नहीं दाखिल कर पाए। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इसके लिए सत्ताधारी पार्टी की दबंगई को जिम्मेदार बताया। खीरी में बीजेपी प्रत्याशी नरेश वर्मा तो चुनाव खर्च की दलील देकर मैदान से भाग लिए। दरअसल एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने आनन फानन में प्रत्याशी तय किए थे। जो नाम सामने आए उनमें से भी ज्यादातर ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टियों से आयातित थे। बीजेपी कैडर के गिने चुने प्रत्याशी ही मैदान में उतारे गए। नतीजा 18 फरवरी को नाम वापसी के आखिरी वक्त तक बीजेपी की जमकर फजीहत होती रही। फिलहाल समाजवादी पार्टी 8 सीटें बिना चुनाव लड़े जीत चुकी है। 28 सीटों के लिए 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इनमें भी बीजेपी कैंडिडेट सिर्फ 21 सीटों पर ही मुकाबला कर रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लिटमस टेस्ट बेहद ही निराश करने वाला रहा है। बीजेपी हालांकि इसे सत्ता प्रायोजित साजिश बताकर किरकिरी से बचने की कोशिश जरूर कर रही है मगर बीजेपी की हकीकत आज भी वही है जो 2012 में थी। अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताने का ये सपा सरकार के सत्ता बल का खेल है। प्रत्याशियों के बारे में प्रॉपर छानबीन होती है लेकिन जिस तरह का आज का राजनीतिक माहौल बन गया है उसमें कभी कभी इस तरह की चूक हो जाती है। वैसे लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं बीजेपी ने दल बदलुओं पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर 24 घंटे पहले पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं तक को टिकट की रेवड़ी बांट दी थी वही महाराष्ट्र हरियाणा बिहार झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी यही होता रहा। दिल्ली में तो बीजेपी ने 24 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करने वाली किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट तक बना दिया जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हाल फिलहाल यूपी में भी दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी दफ्तर में तकरीबन हर रोज 2-4 नेता भगवा स्कार्फ बांधे बुके लेते दिख जाते हैं। अब सवाल ये कि क्या मिशन 2017 का प्लान भी पूरी तरह ऐसे ही दल बदलों के भरोसे बनाया जा रहा है जो ऐन मौके पर साथ छोड़ जाते हैं।
सवाल ये भी है कि उम्मीदवारों की किल्लत से जूझ रही बीजेपी आखिर किस आधार पर यूपी फतह का सपना देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो आखिर बीजेपी की दिक्कत क्या है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दावा किया है कि वो जो लोकसभा में जिस तरह के परिणाम रहे थे वो दोहराएगी, लेकिन आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा जब इस तरह के परिणाम एमएलसी चुनाव में हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो निकल लेते हैं इन मौके पर, कई लोगों ने तो पर्चा नहीं भरा, कुछ पर्चा भर के भी मुकर गए, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता क्यों है, क्या दल बदलुओं का साथ ज्यादा लेती है बीजेपी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्र हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जुड़ने वाले हैं। के विक्रम राव साहब, फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। हरीश जी, आखिर बीजेपी की हालत ऐसी क्यों हो गई है कि एमएलसी के चुनाव में आपके कैंडिडेट पर्चा तक भरने को तैयार नहीं होते, कोई ना कोई बहाना बनाकर कन्नी काट रहे हैं, इस हालत में आप 2017 की तैयारी कैसी कर रहे हैं ये साफ दिखता है। देखिए, ये जो विधान परिषद के चुनाव में जी जिन प्रत्याशियों ने पर्चे वापस लिए, ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के धन बल का, प्रशासन के बल का, सत्ता बल का एक खेल है जो ब्लॉक प्रमुख से के चुनाव से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधान परिषद के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं इसकी प्रवृत्ति में आपके सामने है। मतलब आपकी कमजोरी नहीं है, देश जानता है, पूरा दल की कमजोरी नहीं है, ये साजिश है जिस तरह की बातें आपने कही। अगर साजिश है सर तो फिर इस साजिश को आपने तोड़ा क्यों नहीं? राजनीति तो इसी तरीके से होती है, कभी इसी तरह के आरोप लगते थे, जनवरी 2015 की बात है, ज्यादा नहीं हुआ है अभी, एक साल पहले जब विधान परिषद के चुनाव उस वक्त हो रहे थे तो बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगे थे, तो ये तो आरोप लगते रहते हैं। क्या दल के भीतर ये स्थिति नहीं है कि दल बदलुओं को ज्यादा तरजीह दी गई? हरीश जी, नहीं देखिए, ये जैसा आज का राजनीतिक माहौल है, अगर आप ईमानदारी से विचार करेंगे तो आप भी ये मानेंगे कि जो वर्तमान का राजनीतिक माहौल है उसमें कुछ इस तरह की चूक हो जाते हैं, वो चाहे हमारी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो। आज की जो परिस्थिति बनी है, जो कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं जो सिद्धांतों के प्रति, विचारधारा के प्रति कमिटमेंट है जी, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो जो कमिटमेंट था उसमें कहीं कमी आई है, और कहीं ना कहीं कभी कभी निर्णयों में चूक भी हो जाती है, जो मैं स्वीकार करता हूं, इससे पार्टी को जरूर हमारे हुआ है, इसको इस बात को भी मैं स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, परंतु ये असहजता कोई जानबूझकर नहीं, ये एक निर्णय की चूक कहें, एक प्रत्याशियों की परख में भी चूक कह सकते हैं कि हमसे हुई जी, निश्चित रूप से कहीं कहीं चूक हमसे हुई है जी, जिसके कारण ये प्रत्याशी धन बल और सत्ता। हम लौटेंगे फिर आपके पास और जानेंगे कि आखिर इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने यही सब कुछ क्यों किया है और यूपी में भी वही दोहराती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ दीपक मिश्र हैं। दीपक जी, ये बताइए कि सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं कि साजिश की गई है, आपने उनके कैंडिडेट्स को पटा लिया, धन बल का इस्तेमाल किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया और उनके कैंडिडेट्स को बीजेपी से हटा लिया और इस तरह से बीजेपी को पटखनी दी आपने, ये बहुत चलने वाली स्थिति नहीं है? देखिए, किसी भी प्रकार का धन का या राजनीतिक, इसको सत्ता कहते हैं, सत्ता का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। अभी हाल में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए, हमारे नेता ने स्वीकार किया, ये जनता का मैंडेट है, हम स्वीकार करते हैं। हमने तो आरोप नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां केंद्र प्रायोजित, देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के चुनाव बड़े बड़े मंत्री को बैठाए, चुनावी प्रक्रिया जो है दोनों की, एमएलए और एमएलसी की, उसमें बड़ा अंतर है। दीपक जी, आप इस तरह से हट नहीं सकते, ये तो सवाल आपके लिए बनता है, आपके लिए बनता है सवाल दीपक जी की, एमएलए के चुनाव में आपकी ये गति हुई और एमएलसी के चुनाव में 8 निर्विरोध जीत गए, तो सवाल तो सीधे उठता है धन बल का। हमने राजनीतिक लोगों को टिकट दिए जो हर मौसम में, चाहे प्रतिकूल मौसम हो या अनुकूल मौसम हो, वो टिकाऊ लोग थे। इन्होंने गैर के पैरों से दौड़ने का प्रयास किया,
आप गैर के पैर से सरक तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, चाहे वो सामान्य जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो। आप बताइए, लखनऊ राजधानी है जो उत्तर प्रदेश की, वहां जहां से गृह मंत्री लोकसभा के सदस्य हैं, वहां एक ऐसा नाम इन्होंने दिया जिसका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। हमारे आदरणीय जवाब दीजिए, एक एक कर एक एक कर जवाब लेते हैं। टॉकिंग का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, हरीश जी लंबा इतिहास है। लखनऊ में ये स्थिति रही है, तमाम अलग अलग जगहों की चीजें हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हरीश जी, लखनऊ राजधानी में आपके पास कैंडिडेट नहीं जुड़ा? हाँ, जी बताइए हरीश जी। हाँ, निश्चित रूप से ये मैं स्वीकार करता हूँ, एक कार्यकर्ता जिस पे भरोसा किया पार्टी ने, उसने पार्टी के साथ घात किया। वो कार्यकर्ता नहीं, और कार्यकर्ता होता तो पार्टी के साथ रहता। और हमारी पार्टी के जो निर्णय हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। मैं तो इसको स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर रहा हूँ कि निर्णय में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशियों का चयन होता है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में, इस चयन की प्रक्रिया में भी ये चूक हो जाती है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं हुई, अनेक बार अनेक दलों को चूक, इस तरह की चूक उसको बोलते हैं हरीश जी, जब कोई इक्का दुक्का उदाहरण सामने हो। सभी जगहों पर ये स्थितियां हैं, सभी जगहों पर ये स्थितियां हैं। अभी जो बाकी जितनी सीटें हैं उतने उम्मीदवार भी आपको नहीं जुड़े। आप 28 सीटें बची हुई हैं और 28 में से 8 तो निर्विरोध जीत लिया इन्होंने, 28 में से 21 ही उम्मीदवार आपने उतारे हैं और लखनऊ में ये हाल है। नहीं, देखिए समाज कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। बसपा ने केवल 6 उम्मीद उतारे, हमारे तो 21 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और जो आप 8 जगह इनके निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो आप देखिए ना जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कितने किस तरह से या इसमें किस तरह से प्रस्तावकों का अपहरण कर लेना, उनको जबरदस्ती बैठा लेना और किस तरह से वोट डालने देना और वोट को इनवैलिड घोषित कर देना। ये सारी चीजें कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव कह रहे हैं, बल्कि ये पूरा प्रदेश जानता, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और आपने देखा, ये चूंकि इनडायरेक्ट चुनाव है जहां पैसे के बल का 50,000 से लेकर लाख रुपए तक एक एक टिकट लोग खरीदते हैं और एक एक वोट खरीदते हैं। और ये पूरा तंत्र आप जान रहा, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे वो मीडिया जगत हो, या जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, ये सबको बात ये पता है। हाँ, जनता से जो चुनाव हुए, जो अभी उपचुनाव हुए, उसमें प्रदेश की जनता ने बैलेंस शीट निकाल करके समाजवादी पार्टी को दिया कि ये आपकी बैलेंस शीट है। अब उस बैलेंस शीट के आईने में समाजवादी पार्टी अपनी आत्मसमीक्षा करती है या ये जो जिस तरह से चुनाव करके निर्विरोध कुर्सियों पे काबिज हो रहे हैं या जिला पंचायत और ब्लॉक मुखिया के चुनाव में काबिज हुए, इस आईने में अपने को देखते हैं। ये इनका अपना नजरिया है। जैसे हमारे मित्र दीपक मिश्रा जी एक चिंतक हैं, समाजवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, इस बात को वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ये देखते हैं। दीपक जी, जब विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए तो आपकी पार्टी ने 2 सीटें खोई 3 में से। समाजवाद है उसमें इसको किस आईने से मिश्रा, हम बात करते हैं हरीश जी, हम बात करते हैं। दीपक जी, 3 में से 2 सीटें आपने गवा दी और यहाँ 8 लोग निर्विरोध चुने गए एमएलसी के चुनाव में, तो ये धनबल नहीं तो क्या है? ये राज्य सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है? बिल्कुल दुरुपयोग नहीं है। अगर सत्ता बल का दुरुपयोग होता तो हम वहां पर नहीं हारते। हमने निष्पक्ष चुनाव होने दिया, जनता ने कहा कि भाई ये 2 सीटों पे आप चूक कर रहे हैं, यहाँ गए, इसलिए हमने एमएलसी के चुनाव में जहां जहां हमें लगा कि कैंडिडेट गलत है वहां वहां हमने बदले और उनकी जगह शुद्ध विशुद्ध पॉलिटिकल लोगों को दिया है। और जहां हमारे अग्रज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने धनाढ्य लोगों को टिकट दिए, मैं स्वयं बता दूं कि जौनपुर से एक कैंडिडेट थे, वो पार्टी दफ्तर से निकले पैदल जा रहे थे, मैं उन्हें अपनी एक्टिवा पे बैठा के सात कालिदास ले आया। ऐसा नहीं है, हमने राजनीतिक लोगों को टिकट दिए हैं और राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक आभा मंडल से जीत रहे हैं। इन्होंने इसके बदले में जिसको टिकट दिया
कहीं से कोई ठेकेदार पकड़ लाए, कोई राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता तो मिला नहीं, तो कहीं से कोई धन पशु पकड़ लाए। अब धनाढ्य व्यक्ति जो वीरेंद्र जी को, वीरेंद्र यादव को मेरठ से किस तरीके से आप अपने पाले में लेकर आए, मेरठ में वीरेंद्र यादव जिसे बीजेपी ने उम्मीदवार जिन्हें घोषित किया हुआ था, जो उम्मीदवार थे उन्हें किस तरीके से अपने पाले में लेकर आए आप? देखिए वीरेंद्र यादव जी का वक्तव्य आपने सार्वजनिक रूप से दिखाया है, मेरा उस पर कोई भी टिप्पणी करना एक तरह से कि उन्हीं की बातों को दोहराने जैसा होगा। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है वो किस तरीके से आए, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं हमने किसी भी चुनाव में बहुत जिम्मेदारी के साथ मुट्ठी खींच के कह रहा हूं कि हमने किसी भी चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। हाँ, हमने सत्ता का सदुपयोग किया है लोगों तक सत्ता जनित लाभ पहुंचाने में। नहीं, सवाल है कि अगर आप विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करते हैं उसी तरीके से, कम से कम अपनी सीटें बरकरार रखते, तो एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से निर्विरोध आपके कैंडिडेट चुने जा रहे हैं वो उस पर संदेह नहीं होता, लेकिन संदेह का कारण यही है। लेकिन इधर बीजेपी की जो स्थिति है बनारस में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हालत खस्ता है, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा उन्हें, और जो राज्य में आपके दल के मुखिया हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके क्षेत्र में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में क्या स्थिति होगी बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में? आपने दल बदलुओं पर बहुत भरोसा किया, जो एक एवरेज है दूसरे दलों से आने वाले लोगों का, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के बीजेपी ने उनका स्वागत किया और कई जगह मुंह की खाई इस कारण भी। वही चीजें यूपी में दोहराई जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि इस विधान परिषद के चुनाव के अगर लाइट में आप देखें जी, तो जिस तरह से ये चुनाव धनबल से लड़ा जा रहा है, जिस तरह से सत्ता बल से लड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार की तिजोरी तो है नहीं। नहीं, आप पर भी इस तरह के आरोप लगे थे जनवरी 2015 में, तो ये आरोपों, इस तरह के आरोपों से अपनी कमियां नहीं छुपाई जा सकते। दिक्कत यह है कि हम लोग तो बहुत परहेज करते हैं सर, बहुत परहेज करते हैं शब्दों के चुनाव में, नहीं तो कई जगह इस तरह की हेडलाइंस हैं कि यूपी में बीजेपी को अपने ही प्रत्याशियों ने बेचा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, इसका मतलब अर्थ सभी समझ सकते हैं। तो सवाल ये है दीपक जी कि जिन प्रत्याशियों ने इस तरीके का काम किया जी, क्या वो समाजवादी पार्टी को बख्शेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी ने कहीं भी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं की। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा देता हूं, हमने कहीं भी खरीद फरोख्त नहीं की, वरना मैं आदरणीय हरीश चंद्र जी से यह आग्रह करूंगा कि इस खरीद फरोख्त की इनके पास सीबीआई है, एक और जांच करा लें आप, छवि धूमिल करने के लिए ये सीबीआई का जितना सुंदर इस्तेमाल करते हैं करके देख लें। सर, बहुत सारी बातें जनता यूं ही जान लेती है, कुछ जिस तरह के परिणाम आते हैं, जिस तरह के समीकरण होते हैं उनसे तार लेती है जनता, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। देखिए दीपक जी, विशुद्ध देखिए बादल समाजवाद को सबसे ज्यादा अच्छा परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जुबान खल्क नकारा खुदा होती है, हम जहां जहां गलती करते हैं जी, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी की तरह से सम्मानित जनता भी हमें सुधार देती है, हम सुधर जाते हैं, फिर हम अपना बहुत अच्छे नोट पे हम खत्म करना चाहेंगे कार्यक्रम। तो दिक्कत इस बात का एहसास बहुत सही है, इस बात का एहसास सभी दलों को होना चाहिए कि सियासत की शुचिता को भी वो बरकरार रखें और इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल ना करें जिन पर संदेह होता है और जनता का भरोसा धीरे धीरे इस तरह की राजनीति से ऐसे ही उठता है, इसे बनाए रखने की भी बहुत जरूरत है। और यूपी में एमएलसी चुनाव के विश्लेषण में जो बातें सामने आई उसमें ये तथ्य भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक मिश्रा और हरीश चंद्र श्रीवास्तव। सियासत में फिलहाल इतना ही।